और चलिए अब रुख करते हैं हमारी खास पेशकश का। दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान में भी कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। आम मरीजों से होते हुए अब ये वायरस कोरोना योद्धाओं को भी अपनी जद में, अपनी चपेट में लेने पर आमादा नजर आ रहा है। आपको बताएं, दिल्ली के कई अस्पतालों के डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और ये हालात दिल्ली के एक दो अस्पतालों के नहीं है, देख लीजिए गौर से ये रिपोर्ट। कोरोना की मार, योद्धाओं पर प्रहार, डॉक्टरों पर कोरोना का वार, बचाने वाले भी हो रहे हैं शिकार। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना की घुसपैठ। जी हां, दुनिया भर में लाखों लोगों की जान लेने वाला कोरोना, दुनिया के 16 लाख से भी ज्यादा लोगों को बीमार करने वाला कोरोना, अब हिंदुस्तान में भी कोहराम मचा रहा है। शहर दर शहर कोरोना के कहर से लोग कराह रहे हैं। प्रशासन परेशान है, सरकार हलकान है, और तो और इस खतरनाक बीमारी से बचाने वाले धरती के भगवान भी अब इस वायरस की चपेट में आकर बीमार होने लगे हैं। यूं तो दुनिया के दूसरे देशों में पहले से ही कोरोना डॉक्टर्स पर वार कर रहा था, मगर अब हिंदुस्तान के अस्पतालों में भी कोरोना ने घुसपैठ कर दी है। अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टरों, नर्सों, मेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मचारी तक को अब कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। खासकर देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में, राजधानी दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों के करीब 50 के आसपास डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ समेत अस्पताल कर्मी कोरोना की चपेट में हैं, जबकि सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। आपको बताते हैं कि किस अस्पताल के कितने डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कितनों को क्वारंटीन किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले अस्पताल दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान की। इस अस्पताल में फिलहाल डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी और मरीज समेत 24 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। दरअसल इस अस्पताल में सबसे पहले एक डॉक्टर कोरोना संक्रमित हुआ, इसके बाद कई डॉक्टर, हेल्थ केयर स्टाफ और सफाई कर्मचारी इसकी चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि अस्पताल में सबसे पहले एक डॉक्टर कोरोना संक्रमित हुए थे। डॉक्टर साहब के भाई यूके से आए थे। पहले डॉक्टर को संक्रमण हुआ और देखते ही देखते अस्पताल के 3 डॉक्टर, 17 नर्सिंग स्टाफ और 1 सफाई कर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए। अरब मेडिकल स्टाफ के बाद कैंसर के मरीजों में भी कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। इस अस्पताल में भर्ती 3 कैंसर रोगियों में भी कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद इस अस्पताल में संक्रमित मरीजों की संख्या 24 हो गई है। इन सभी मरीजों का इलाज राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किया जा रहा है। सर, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट से लगातार मामले आ रहे हैं, अब मरीजों को भी हो गया है, 3 मरीज देखिए कल नहीं, वो इकट्ठे सबको क्वारंटाइन किया गया था, अलग से कोई नहीं है, उनको सबको क्वारंटाइन किया गया था। कल रिपोर्ट सबकी आ गई है, तो उसमें 3 मरीज भी हैं और बाकी कहते हैं हमारे 22 स्टाफ मेंबर्स हैं, तो अब सबकी रिपोर्ट आ चुकी है, नए केस नहीं आ रहे हैं, वही केसेस हैं। उसको लेकर और अब बात दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल सर गंगाराम हॉस्पिटल की। यहां भी कई स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सर गंगाराम अस्पताल के 2 स्वास्थ्य कर्मियों समेत 5 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए स्वास्थ्य कर्मियों की टीम में शामिल सभी 114 स्वास्थ्य कर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। क्वारंटीन किए गए लोगों में डॉक्टर, नर्स और मेडिकल कर्मचारी भी शामिल हैं। कोरोना का कहर सिर्फ इन 2 अस्पतालों पर ही नहीं बरपा है, इस वायरस ने साकेत के मैक्स अस्पताल में भी घुसपैठ की है। मैक्स अस्पताल में भर्ती दिल के 2 मरीजों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मरीजों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद उन्हें न सिर्फ आइसोलेट किया गया है,
बल्कि उनसे जुड़े डॉक्टर और नर्स को भी होम क्वारंटीन की सलाह दी गई है। एक तो ये वायरस बड़ी तेजी से फैलता है, लोगों में अभी इम्यूनिटी नहीं है, पर प्रिकॉशंस लेने पे भी फैल सकता है, बट अगर प्रिकॉशंस ठीक से ना ली जाए, खास तौर से कहते हैं जब पीपीई किट्स उतारते हैं तो उस समय सबसे ज्यादा खतरा होता है हेल्थ केयर वर्कर्स को कि अगर वो ठीक से ना उतारें तो वो संक्रमित हो सकते हैं। इसी तरह दिल्ली के कई और अस्पतालों के भी डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ समेत सफाई कर्मियों में कोरोना का संक्रमण पाए जाने की खबर है। एम्स, सफदरजंग और आरएमएल जैसे अस्पतालों के भी कई डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना ने अपनी चपेट में ले रखा है। हम जानते हैं कि आज की डेट में हेल्थ केयर वर्कर्स फ्रंट लाइन पे हैं और हम इन्हीं पे निर्भर हैं कि कैसे यह पैंडेमिक को कंट्रोल किया जाए, कैसे ऐसे लोगों का इलाज किया जाए, और अगर ये संक्रमित होते हैं तो हमारे पास बैकअप होना चाहिए ताकि और स्टाफ ऐसे जो फिर आगे आ सके। दिल्ली के इन तमाम बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का कोरोना संक्रमित होना जाहिर तौर पर सरकार के लिए चिंता की बात है। अस्पतालों में बढ़ता संक्रमण जाहिर तौर पर चिंता और चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में सरकार के लिए अस्पताल भी हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि अगर डॉक्टर और हेल्थ वर्कर ही संक्रमित हो जाएंगे तो फिर इस वायरस से बचाएगा कौन? पल्लवी झा, न्यूज 24।